गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चेन ड्राइव में हमारा आज का नया टॉपिक है पॉलीगोनल इफेक्ट। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो चेन ड्राइव में ही देखने मिलता है और इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन जनरली एग्जाम्स में पूछता है कि ये इफेक्ट क्या होता है और इसके कारण क्या चीज़ें होती हैं। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले बेल ड्राइव को एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। हम जानते हैं बेल ड्राइव में आपका एक स्मॉलर पुल्ली होता है, ड्राइविंग पुल्ली, एक ड्रिवन पुल्ली होता है, चाहे फ्लैट बेल्ट हो चाहे वी बेल्ट हो, इसमें आपका ये बेल्ट ऐसा लग जाता है। और हमने पढ़ा था कि जो बेल्ट बना रहता है ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना रहता है, लेदर, कैनवास का या फैब्रिक का, इस रबर का, है ना। तो ये कैसा भी शेप ले सकता है। इसका मतलब जब ये आप अब इसका मोशन देखेंगे, इस बेल्ट का मोशन देखेंगे, तो ये बेल्ट यहाँ पर ये लीनियर मोशन है। अगर मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये लीनियर मोशन में यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही ये आपका पुल्ली के ऊपर से आता है तो ये परफेक्टली उसका शेप ले लेता है राउंड, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है और इस पुल्ली में भी कहीं कॉर्नर्स और या एजेस नहीं है, तो ये परफेक्टली राउंड शेप लेता है। उसके बाद ये फिर लीनियर मोशन में आ जाता है, उसके बाद फिर ये बड़े पुल्ली से भी परफेक्टली राउंड शेप लेके वापस ये साइकिल रिपीट होते रहता है। मतलब ये बेल्ट एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है जिस कारण से ये कोई भी शेप ले सकता है। अब हम बात करते हैं चेन ड्राइव्स की। तो हमने जब चेन ड्राइव्स में देखा था तो कल हमने सबसे पहले एक स्प्रॉकेट बनाया था। मैं उसको फिर से बना लेता हूँ। स्प्रॉकेट को मैंने कुछ ऐसा वेवी इसका टीथ के दिखाने के लिए ऐसा बनाया था। इस टाइप का, और इनके बीच में ही रोलर्स आते हैं ऐसे चेन के। तो हमने जब देखा था कि चेन का जो कंस्ट्रक्शन देखा था, चेन आउटर लिंक और इनर लिंक प्लेट से रहता है और दोनों या रोलर्स में के बीच में बीचों बीच पिन जाता है, पिन से कनेक्ट होता है। इसका मतलब आप किसी चेन को अगर आप हिलाए या मूव करें उसको, तो आपको दिखेगा कि ये आपका जो चेन है, अगर ये दो रोलर्स की हम बात कर रहे हैं, ये दो रोलर्स है, यहाँ पर पिन रहता है, तो इसके बीच में आपको एक एक लिंक दिखेगा ऐसा, है ना। ये हमने बनाया था ना, तो ये जो लिंक है आपका जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इस टाइप का, तो इसमें यहाँ पर आपका पिन रहता है और ये पिन से ही अगर ये आप दूसरा लिंक देखें तो ये दूसरा लिंक भी आपका ऐसा ही मिलेगा आपको, इस टाइप का, जो ये लिंक से लिंक कनेक्ट रहता है इस टाइप का ऐसे, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि दो रोलर के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो एकदम स्ट्रेट है, यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, है ना। अगर आप इस चेन को ऐसे हिलाएंगे तो यहां पर जहां से पिन है ये पिन से ही बेंड होगा, ये आपको दिखेगा। इसका मतलब ये आपका अगर देखा जाए नॉर्मल वे में, अगर आप चेन ड्राइव को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरे स्प्रॉकेट से प्रॉपरली रोल होकर जा रहा है, ड्राइविंग और ड्रिवन स्प्रॉकेट से। लेकिन अगर बहुत ध्यान से बहुत करीब से इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चेन सिर्फ उसी जगह से मुड़ता है जहां पर उसका प्रोविजन है, जहां पर वो पिन जॉइंट है, बाकी हिस्सा उसका स्ट्रेट रहता है। लेकिन बेल्ट को आप किसी भी जगह से मोड़ सकते हैं क्योंकि पूरा पूरा फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई जॉइंट नहीं रहते। लेकिन चेन आपका इंटरकनेक्टेड लिंक्स से बना रहता है, जो लिंक्स आपस में कनेक्ट रहते हैं और वो कनेक्ट रहते हैं पिन जॉइंट्स में। इसलिए चेन सिर्फ अगर आप उसको घुमाने की कोशिश करेंगे या मोड़ने की कोशिश करेंगे तो चेन सिर्फ उन्हीं जगहों से मुड़ेगा जहां पर पिन जॉइंट्स रहता है। उसी कारण से आपको दिखेगा कि यहां पर ये आपको फिर से आपको दिखेगा ये लीनियर मोशन है। लेकिन जैसे ही ये स्प्रॉकेट के ऊपर आता है तो यहां पर अगर आप मैंने ये लाइंस बनाऊं, अगर मैं इसमें ये दो रोलर्स के बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखेंगे ये लिंक्स का लाइन है, ये जो आउटर लिंक प्लेट रहता है और इनर लिंक प्लेट रहता है, इनका लाइंस अगर मैं बना रहा हूं तो आपको दिखेगा कि ये परफेक्टली राउंड शेप नहीं बना रहा है। ये आपको दिखेगा ऐसा, यहां पर स्ट्रेट लाइन है, जहां जहां पर पिन से या जहां जहां पर रोलर से ये वहीं से बेंड हो रहा है, बाकी आपको दिखेगा ये स्ट्रेट लाइन है ऐसा टाइप का, है ना। तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये परफेक्ट राउंड शेप नहीं बनाता है। अब यहां पर अगर आप इसकी राउंड शेप नहीं है तो इसको देखेंगे कि एक सर्कल में आपको दिखेगा ये अगर ऐसा ऐसा लाइन है, और अगर इसी को मैं इलाबोरेट करके यहां पर बनाऊं तो ये जो इस टाइप का लाइन बनता है ऐसा, इसी को हम अपने ज्योमेट्री की भाषा में पॉलीगॉन बोलते हैं। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं तो आपको एक दिखेगा कि पॉलीगॉन मतलब ऐसा कोई फिगर जिसमें मोर देन टू साइड्स रहते हैं, है ना, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ये पॉलीगॉन दिखता है,
इसके कारण इस पॉलीगॉन बनने का, यहां पर आपका परफेक्ट सर्कल बन रहा था लेकिन यहां पर चेन ड्राइव में पिन जॉइंट्स के बेंड होता है, इस कारण से एक पॉलीगॉन बनता है। इस पॉलीगॉन के कारण जो इफेक्ट आता है हमको उसी को डिस्कस करना है। और बेसिकली इस पॉलीगॉन के कारण जो इफेक्ट आता है वो आता है चेन की वेलोसिटी में। चेन की जो वेलोसिटी है वो वैरी करती है एक मैक्सिमम वैल्यू से लेकर मिनिमम वैल्यू के बीच में इस पॉलीगॉन इफेक्ट के कारण, और यही वेरिएशन के कारण उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है जो आपको आपको देखना है आगे, है ना। तो इसको अगर हम इलाबोरेट करें अब तो आपको दिखेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए कंसिडर किया गया है। सबसे पहले आपके नोट्स में आपको दिखेगा ये पेज नंबर आपका 96 में है कि कंसिडर इस प्रॉकेट विथ ओनली 4 टीथ रनिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ एन आरपीएम एज शोन बिलो। अब यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखेगा, यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं असल में, है ना। एक में आपका अलग पोजिशन, दोनों में आपको चेन की अलग अलग पोजिशन दिखेगी। तो पहले डायग्राम में आपको दिखेगा कि एक पिच सर्कल डायमीटर है यहाँ पर ऐसा, मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करके बना रहा हूं, और यहां पर आपको रोलर्स दिखेंगे ऐसे, ये चेन के रोलर्स हैं, रोलर पॉइंट्स हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, अब इसमें एक ऐसा स्प्रॉकेट एज्यूम किया गया है जिसमें सिर्फ चार दांत हैं, है ना। अगर आप यहां पर इसको समझ नहीं पा रहे तो मैंने बताया था कि जो आपका रोलर से वो दो दांत के बीच में फंसता है, इसका मतलब अगर ये रोलर है तो यहां पर अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा होगा बड़ा सा इस टाइप का। एक आपको टीथ यहां मिलेगा, एक टीथ आपको यहां मिलेगा, और एक टीथ आपको यहां मिलेगा। अब इसको मैं डार्क कर दूं तो ये आपको दिखेगा यहां पर, है ना, कि इस टाइप से मैं इसको अगर बोला तो इस टाइप से आपको ये 4 टीथ वाला स्प्रॉकेट दिख सकता है। ये सिर्फ आपके इमेजिनेशन के लिए मैं बता रहा हूं आपको, है ना। नोट्स में ऐसा या वहां पर ऐसा बनाएंगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये दिख रहा है कि दो दांत के बीच में रोलर है, यहां पर भी दो एडजेसेंट टीथ के बीच में रोलर है। तो इस तरीके से ये 4 टीथ वाला ही स्प्रॉकेट लिया गया ताकि इसके वेरिएशन को समझने में हमको इजी रहे। तो इसमें ये आपको दिख रहा है, अब इन रोलर्स को मैंने नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई, मतलब ये जो चेन है ये सिर्फ ये पिन जॉइंट्स हैं जो रोलर से वहीं से मुड़ सकता है, वहीं से बेंड हो सकता है। बाकी आपको दिख रहा है ये लिंक्स हैं, ए बी लिंक है, बी सी लिंक है, सी डी लिंक है और डी लिंक है। ऐसे मैंने 1 2 3 4 4 लिंक लेकर मैंने इसको दिखाया है, है ना। अब इसको अगर आप देखें, है ना, इसमें बोल रहा है कि अब अगर आप वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस देखें। मैंने ये जो ये सर्कल बनाया था ये जानते हैं हम लोग, ये स्प्रॉकेट का हमेशा पिच सर्कल डायमीटर रहता है, तो इसका मतलब ये पूरा रहेगा आपका, ये पूरा सर्कल रहेगा। अगर मैं डी के तरफ से बोलूं तो स्मॉल डी रहेगा, और ये अगर ये हाफ डिस्टेंस लूं, है ना, ये सर्कल का ये दिख रहा होगा ए बी है, इस सर्कल से आपको टेंजेंट दिख रहा होगा, तो ये ए बी का डिस्टेंस भी आएगा डी बाई टू। तो ऐसे केस में आपको दिखेगा कि ए बी जो लिंक है ये डी बाई टू डिस्टेंस पे है, है ना। तो इसका जो वेलोसिटी है वो आपको अब मैक्सिमम मिलेगा, जिसको हम वी मैक्स बोलते हैं, जब ए बी डिस्टेंस पे रहता है ये होता है आपका वी मैक्स इक्वल्स टू पाई डी एन बाय 60 × 10³। ये हम जानते थे कि वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, है ना। अब यहां पर हम अगर एंगल की बात करें, पिच एंगल हमने देखा था वो होता है अल्फा, वो पिच एंगल होता है कि जब भी कोई रोलर का सेंटर है उसको स्प्रॉकेट के सेंटर से जोड़ते हैं, दो एडजेसेंट रोलर के सेंटर को आप स्प्रॉकेट के सेंटर से जोड़ेंगे तो इनके बीच का एंगल ही पिच एंगल कहलाएगा अल्फा। ये आपको दिखा हुआ है वहां पर अल्फा लिखा हुआ है ना, और ये आप एंटी क्लॉक में ही घूम रहा है ऐसा दिखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है अभी पिच एंगल है, ये आपका 90 डिग्री है इस रोलर के सेंटर, बी रोलर के सेंटर से लेकर सी रोलर के सेंटर के जो बीच डिस्टेंस है, है ना, एक स्प्रॉकेट में ये आपका पिच एंगल रहता है। तो वी मैक्स जो आपको मिलेगा ये डिस्टेंस है एग्जैक्टली डी बाई टू, है ना, और आपको ये वी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, कि इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो पाई डी एन बाई 60 जैसा हम यूजली निकालते थे उसी बेसिस पर निकलेगा। अब ये जो दूसरा डायग्राम है इसमें मैं फिर से पिच सर्कल डायमीटर बना रहा हूं, ये स्प्रॉकेट का दिख रहा होगा आपको यहां पर। अब आपको नेक्स्ट में इस स्प्रॉकेट को हाफ पिच एंगल रोटेट करना है, इसका मतलब आपको सिर्फ 45 डिग्री ही रोटेट करना है स्प्रॉकेट को हाफ पिच एंगल। ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है,
तो आपको सिर्फ हाफ पिच एंगल रोटेट करना है। अब ध्यान से देखेंगे इसको, अगर आप समझना है तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं फिर से इस डायग्राम को बना रहा हूँ। इसमें ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट इस कॉर्नर पे है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, और ये ए और ये बी सी के बीच में भी एंगल बन रहा है, ये पूरा 90 डिग्री। अगर आपको ये पूरा दिख रहा है अल्फा, आपको जो दो रोलर्स के बीच का जो पिच एंगल है ये 90 डिग्री है, और आपको अभी 45 डिग्री लेना है, तो ये जो बी पॉइंट है ये आप देखेंगे 45 डिग्री पे लेने के लिए ये आपका बी पॉइंट इधर पे आना चाहिए, है ना। तो ये बी पॉइंट इधर कुछ आना चाहिए, आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर पॉइंट बना रहा हूँ, है ना, ये बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और अगर ये बी यहाँ पर आएगा तो ये ए भी इधर आ जाएगा, और ये ए बी ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी कहीं से आपका मुड़ना नहीं है, ये स्ट्रेट ही रहना चाहिए। तो अगर ये बी पॉइंट हाफ पिच एंगल की बात कर रहे हैं, अल्फा बाई टू रोटेट कर रहे हैं, तो ये बी आपका इधर आएगा और ये ए पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, तो ये ए पॉइंट आपको इधर मिलेगा। वैसे अगर बी इधर आ रहा है तो सी भी अपने बीचों बीच आएगा, हाफ एंगल भी आएगा, सी और डी के बीच में भी 90 डिग्री है, तो सी भी इधर आएगा, यहां पर आपको मिलेगा सी। वैसे डी भी, मैं सो घुमा रहा हूं इसी कारण ऐसा हो रहा है, डी भी इधर आ जाएगा इस साइड पे, और ई उसी के लाइन में, ये जो आपका डी आया उसी के लाइन में आपको डी और ई स्ट्रेट मिलेगा, तो ये ई पॉइंट इधर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये नए डायग्राम में ए बी सी डी ई ऐसे पॉइंट हो जाएंगे। क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ हाफ अल्फा बाई टू घूम रहा है। अगर ये पूरा ही अल्फा घूमता, अगर इसके बाद और हाफ घुमाएंगे तो फिर से आपका ये पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब ये जो बी पॉइंट था, अभी मैं इसको मैं बी बोल रहा हूं, ये बी पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना, और ये सी पॉइंट इधर आ जाएगा, ए पॉइंट इधर आ जाएगा, डी पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, आपको दिख रहा है, मतलब ये जो वेरिएशन चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है लिंक्स की पोजीशंस या रोलर्स की पोजीशंस, ये अल्फा बाय टू पे ही चेंज हो रही है। अगर आप अल्फा पे रोटेट करेंगे तो ये वहीं की वहीं सेम पोजीशन मिलेगी, अल्फा बाय टू पे ये पोजीशन चेंज हो जाती है। अब अगर मैं यहां पर उनके रोलर्स बनाऊं तो ये रोलर्स आपको मिल जाएंगे, ये है आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, और ये फाइनल आपका ई पॉइंट है। अब इनके अगर लिंक्स बनाऊं तो ये लिंक्स कुछ ऐसे बनेंगे इस तरीके से, और अगर इसके बाद फिर से हम अल्फा घुमाते हैं, आप दिख रहा है कि अभी भी हम पिच एंगल वही बोलते हैं कि ये बी के सेंटर से लेकर ये ए के सेंटर तक या सी के सेंटर से, ये सब आपका अल्फा रहता है, जो कि अभी के केस में अभी भी दिख रहा है आपको, ज्योमेट्रिकली दिख रहा होगा 90 डिग्री, लेकिन मैंने यहां पर दिख रहा है कि हाफ एंगल घुमाया हुआ है 45 डिग्री, इसलिए ये पोजिशन पूरी ऐसे आ रही है। ये जो बी पॉइंट था ये इधर आया है बीचों बीच, तो इसलिए ये जो आपको एंगल मिलेगा ये आपको अल्फा बाई टू मिलेगा यहां पर। तो ये हाफ एंगल जितना भी रहेगा ये सब अल्फा बाई टू है, जो कि 45 डिग्री अभी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो लिंक ए बी, अब ये दोनों डायग्राम को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहां पर भी एक पिच सर्कल डायमीटर है डी है, और यहां भी सेम पिच सर्कल डायमीटर डी है, लेकिन जो लिंक ए बी का डिस्टेंस है यहां दिख रहा है वो पिच सर्कल डायमीटर से जो टेंजेंट दिख रहा है और उसका डिस्टेंस था डी बाई टू, अब वो टेंजेंट ना होकर पहले ये यहां था। मैं अगर इसको बनाऊं तो ये ए और बी यहां पर था, ये ए था, ये बी था, वो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा ये अब कम हो गया है सेंटर ऑफ द स्प्रॉकेट से, ये लिंक ए बी का डिस्टेंस कम हो गया है, जो पहले डी बाई टू था वो अब कम हो गया है। तो इस ए बी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप इजिली ज्योमेट्रिकली इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर अगर देखें मैं ये वाला ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, और ये एंगल आपको मिला है अल्फा बाई टू, और ये आपका जो हाइपोटेनियस है ए से लेकर सेंटर तक ये आपको मिला हुआ है डी बाई टू। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है तो ये कॉस के टर्म्स में निकलेगा, तो ये आएगा डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे तो अब ये जो डिस्टेंस जो पहले डी बाई टू था वो अब कम होकर आ गया डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। तो इस तरीके से आपका ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कम होने के कारण अब अगर इसको हम इसी फॉर्मूले में लाए तो हमको एक मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी जो आएगा पाई डी एन कॉस अल्फा बाई टू अपॉन 60 × 10³। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि कॉस अल्फा बाई टू आपका और मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसमें, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली
अल्फा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री लें उसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 45 आएगा। तो ये जो आपको अगर ये डी और एन दिख रहा है दोनों में कॉन्स्टेंट है तो आपको दिखेगा कि ये वेलोसिटी आपका मिनिमम ही वैल्यू एक निकल के आएगा। अब अगर हम इसके बाद फिर से अल्फा बाई टू इसको घुमाते हैं तो वापस वही पोजिशन आ जाएगी कि बी पॉइंट आगे यहाँ कॉर्नर में आ जाएगा, ये ए पॉइंट फिर से कॉर्नर में, मतलब ये सारे रोलर फिर कॉर्नर कॉर्नर में जम जाएंगे। इसका मतलब फिर से जो वेलोसिटी निकलेगी वो वी मैक्स निकलेगी। मतलब इसका अगर हम दोनों को देखें तो हर हाफ हाफ अल्फा बाई टू में या हाफ पिच एंगल में ये वेलोसिटी जो चेन की वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है वी मैक्स से लेकर वी मिन के बीच में। मतलब वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं रहती है और वेरी करती है, और ये होता है पूरा चीज पॉलीगोनल इफेक्ट के कारण, क्योंकि ये जो लिंक्स है सिर्फ अपने रोलर पॉइंट से ही जुड़ते हैं, है ना, मुड़ते हैं, बाकी आपका पूरा स्ट्रेट रहता है। तो इस तरीके से आपका एक पॉलीगॉन बनता है, तो इस पॉलीगॉनल इफेक्ट के कारण आपके वेलोसिटी में वेरिएशन आता है, ये जो चेन लिंक है वो आपका अलग अलग होता है। अब ये वेरिएशन आपको जो इसका इफेक्ट आपको जो विजिबल रहेगा आईज से वो दिखेगा कि जैसी कोई चीज वेलोसिटी में वेरिएशन होता है तो उसमें जर्की या पल्सेटिंग मोशन आता है। अगर आप बाइक्स में ही देख ले, बाइक्स को आप स्टैंड में खड़ा करके आप गियर्स लगा के, है ना, इंजन को स्टार्ट करें और उसको रोटेट करके देखें तो आपको दिखेगा कि आपका चेन एकदम स्मूथ नहीं चलता है, चेन ऐसा हिलते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है या जर्की मोशन ऐसा देते रहता है, है ना। वो सिर्फ इस वेलोसिटी वेरिएशन के कारण ही होता है और ये आता है आपका पॉलीगोनल इफेक्ट के कारण, क्योंकि चेन आपका परफेक्टली राउंड होकर इस प्रॉकेट से नहीं जाता है, वो एक पॉलीगोन के रूप में जाता है, उसका इफेक्ट आपको बहुत कम दिखता है। तो ये जो वेरिएशन है आपका ये पॉलीगोनल इफेक्ट के कारण आता है, उससे आपका जनरेट होता है जर्की और पल्सेटिंग मोशन और बहुत वाइब्रेट करता है आपका चेन इसी तरीके से। तो ये आपको विजिबल दिखता है पॉलीगोनल इफेक्ट का। अब पॉलीगोनल इफेक्ट को अगर हम देखें, है ना, तो अब हम इसके वेरिएशन को जरा गौर करें कि इसमें क्या वेरिएशन आता है और इस वेरिएशन को हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं अगर इस बात को है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा चेन ड्राइव में बहुत ज्यादा इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आए या बहुत सारा जर्की मोशन रहे या एकदम वाइब्रेट करता रहे जिससे हमारा वेलोसिटी, हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारा वेलोसिटी किसी भी चीज का हमेशा कॉन्स्टेंट रहे। तो अब हम देखते हैं कि ये वेरिएशन का वैल्यू कितना है जिसको हम बाद में मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम वेरिएशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो पहले हम वी मैक्स माइनस वी मिन करेंगे आप, है ना, तो आपको ये दिखेगा कि वी मैक्स अगर माइनस वी मिन करेंगे तो ये आपको आएगा पाई डी एन 60 इंटू 10 टू पावर 3 वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू, ये चीज आएगी। और दोनों ही वेलोसिटी में ये चीज कॉमन है, और अगर मैं इसको कॉमन चीज को हटा दूं तो एक प्रोपोर्शनल का साइन मैं ले सकता हूं, मतलब वी मैक्स माइनस वी मिन इज प्रोपोर्शनल टू वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू। मतलब ये जो वेरिएशन है ये इस पर डिपेंड करता है 1 माइनस कॉस अल्फा बाई टू। और अल्फा भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो पिच एंगल होता है ये 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ टीथ होता है जेड। तो इसी को अगर हम यहां पर पुट करें अल्फा की वैल्यू 360 बाई जेड करें तो 360 बाई टू आपका आ जाएगा 180। तो फिर से आपको वी मैक्स माइनस वी मिन विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री अपॉन जेड, आपको ये चीज मिलेगा। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा यहां पर दो नंबर है और एक नया नोटेशन आया है जेड। इसका मतलब ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टीथ पे। तो ये एक फॉर्मूला आपका निकल के आता है वेरिएशन में। अब बीइंग ए डिजाइनर हमारा मेन मकसद है कि हम इस वेरिएशन को मिनिमाइज कर दें या खत्म कर दें। अगर हम जानते हैं कि अगर हम इसको पूरा ही खत्म करना चाहते हैं जिससे वी मैक्स इक्वल्स टू वी मिन हो जाए और ये दोनों वेलोसिटी सेम हो जाए, तो आप देखेगा कि ये डिपेंड कर रहा है इन दो नंबर पे। मतलब वन में से आपको माइनस करना है एक ऐसा नंबर जिसमें आपकी कोई वेरिएशन जीरो आए, तो सीधी सी बात है वन में से आप वन ही माइनस करेंगे तभी वो जीरो आएगा। मतलब आपको यहां की वैल्यू चाहिए वन, मतलब cos 180 by z आपको 1 चाहिए। और हम मैथमेटिकली हम भी बहुत सिंपल सा जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू होती है 1। मतलब अगर ये 180 by z 0 आ जाए तो ये cos 0 हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब ये वेरिएशन भी खत्म हो जाएगा। अब cos अगर आपको इसको 0 लाना है तो 0 लाने के लिए आपको ध्यान होगा, है ना, कि ये ऊपर में दिख रहा है एक नंबर है 180 और नंबर के नीचे आपको क्या डिवाइड करना है, हम बहुत हम मैथ्स में पढ़ते हैं,
है ना, कि नंबर के नीचे हम क्या डिवाइड करते हैं जिसके हमको वैल्यू जीरो मिलती है, तो एक ही चीज आ जाती है, वो होती है इंफिनिटी। किसी भी होल नंबर के नीचे आप अगर इंफिनिटी डिवाइड करेंगे तभी आपको वैल्यू जीरो मिलेगी। इसका मतलब अब अगर मैं इसको लूं तो v max माइनस v min इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस cos 180 अपॉन इंफिनिटी, मतलब 1 माइनस cos 0, 1 माइनस 1, मतलब v max माइनस v min ये आ गया 0, या फिर ऐसा बोल सकते हैं v max इक्वल्स टू v min, यहां पर कोई मिनिमम नहीं कोई मैक्सिमम नहीं, ये सब बराबर हो गया। तो ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि हम कैसे वेलोसिटी को आप इक्वल कर सकते हैं और ये वेरिएशन को खत्म कर सकते हैं। पर यह इंपॉर्टेंट बात, फिर से हम वापस आएंगे तो हमको दिखेगा कि हमने 180 के नीचे इन्फिनिटी डिवाइड किया, इसका मतलब जो नंबर ऑफ टीथ है वो इनफाइनाइट होने चाहिए और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हमको कुछ ना कुछ इस प्रॉकेट में फाइनाइट नंबर ऑफ टीथ रखना ही पड़ेगा। आप इनफाइनाइट टीथ नहीं रख सकते। बस एक चीज आप हम यहां पर कर सकते हैं, इसका मतलब अगर आप इंफिनिटी टीथ नहीं रख सकते हैं, इनफाइनाइट टीथ नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप इस वेरिएशन को, इस वेलोसिटी के वेरिएशन को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप जितना दांत को बढ़ाते जाएंगे, जितना इस नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, उससे आपका ये जो वेरिएशन है वो आपका कम होता जाएगा, पर ये पॉलीगोनल इफेक्ट के कारण आपका वो जो जर्की मोशन है वो एकदम खत्म नहीं होगा। आप जितना दांत बढ़ाएंगे उतना इस वेरिएशन को मिनिमाइज करेंगे तो आपका जो जर्की मोशन या पल्सेटिंग मोशन है ये रिड्यूस होता जाएगा, जो हो सकता है कि बाद में आई से विजिबल ना रहे पर हमेशा उसमें मौजूद रहेगा, क्योंकि पॉलीगोनल इफेक्ट को आप किसी भी तरीके से कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हम इनफाइनाइट दांत लगा ही नहीं सकते किसी भी प्रॉकेट में। आपको हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टीथ लगाने पड़ते हैं जिसके कारण हमेशा वो पल्सेटिंग और जर्की मोशन आपके चेन के वेलोसिटी के वेरिएशन के कारण वो आपको देखने मिलेगा, जो इस टाइप का ऐसा चेन ही लेगा ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट करता है। तो यही एक तरीका है कि आपको जेड जितना हो सके डिजाइनिंग करते वक्त आपको ज्यादा ज्यादा रखना है, कम रखेंगे तो बहुत ज्यादा पल्सेटिंग मोशन या जर्की मोशन होगा। तो यहां पर इसीलिए लास्ट लाइन में यहां पर दिया हुआ है, हैंस टू रिड्यूस द वेरिएशन स्पीड द टीथ ऑन द स्प्रॉकेट शुड बी इंक्रीज, दांत को आपको बढ़ाना है। Thus, the minimum number of teeth on driving sprocket should be 19 or 21 or at least 17. इसका मतलब आपका यह है कि 17 से मिनिमम आपको रखना ही है 17, इससे आप ज्यादा करके 19 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, पर किसी भी हालत में जैसे इसे में आपको यह दिखेगा, ऐसा गियर्स में भी होता था, है ना, वहां पर इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, है ना, और अंडरकटिंग को रोकने के लिए हम ऐसा यूज करते थे। तो सेम वही चीज है यहां पर, स्प्रॉकेट का भी दांत 17 से आपको कभी भी कम नहीं करना है, 17 से ज्यादा ही होना चाहिए। बस इसी चीज का ध्यान रखते हुए आपको दिखाना है कि जो पॉलीगोनल इफेक्ट है वो यही होता है कि जो वेलोसिटी वेरिएशन देता है, डेट इज पॉलीगोनल इफेक्ट, और इसके कारण जो आपको एक पल्सेटिंग जर्किंग मोशन मिलता है, है ना, इसी को हमको रिड्यूस करते हुए इसको डिजाइन करना है। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप नंबर ऑफ टीथ को आपको इंक्रीज करना है, ज्यादा से ज्यादा रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, आपको ये नेक्स्ट पेज में मिलेगा, पेज नंबर 98 में, जनरल कंसिडरेशंस इन चेन ड्राइव। अब मैं कुछ पॉइंट्स वहां पर लिखे हुए हैं, उस पॉइंट को हम ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं और ये कैसे होता है। तो जैसा पहला पॉइंट दिया हुआ है, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रॉकेट इज 17, जैसा कि हमने देखा, इसको इसलिए रखना है क्योंकि आपको जो वेलोसिटी का वेरिएशन है उसको मिनिमाइज करना है, तो 70 रखना है। लेकिन साथ में लिखा है फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड नॉइस कंसिडरेशन इट कैन बी 21, है ना, अगर आप चाहते हैं कि और आवाज ना हो, है ना, और ड्यूरेबल रहे आपका चेन, तो आपको ये 21 रखना पड़ेगा। अब इसमें एक डाउट आता है क्योंकि आकर जाके आपको न्यूमेरिकल से मिलेगा जिसमें हमको Z1 की वैल्यू चुननी पड़ती है, तो कुछ न्यूमेरिकल 17 लेके सॉल्व हुए हैं, कुछ लेके 21 लेके सॉल्व हुए हैं, है ना, तो ये हमेशा एक डाउट जनरेट होता है कि एग्जाम में हमको क्या लेके चलना है, 17 लेना है कि 19 लेना है कि 21 लेना है। तो ये एक चीज आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए इसको, कि जैसा भी अगर आपको डिजाइन करना है, बीइंग अ डिजाइनर है, आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, इसको सॉल्व करना है, और आपको हमेशा सेफ साइड पे ही रख के सॉल्व करना है ताकि आपको दोबारा उसको इटरेट करके दोबारा अपने डिजाइन को मॉडिफाई ना करना पड़े।
इसलिए हमेशा सेफर साइड में रहते हुए अगर आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं दी, कोई भी आपको टीथ का जिक्र नहीं किया है, तो आप हमेशा उसको 21 रख के ही सॉल्व करिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। 21 रखने से आपका जो डिजाइन है वो बेस्ट डिजाइन निकल के आएगा। हाँ, लेकिन एग्जामिनर्स में कभी कभी, पर इससे क्या होता है, कोई अगर 17 रखा है, कोई 19 रखा है, कोई 21 रखा है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 21 ही रखें। अगर आप 19 और 17 रख के भी सॉल्व करते हैं तो आपका स्टेप्स तो वही रहेगा, बस उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो चेंजेस आएंगे। तो अगर एग्जाम में आपको नंबर ऑफ टीथ गिवन नहीं है और आप एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो एग्जामिनर को ये कंफर्म रहता है कि आंसर्स अलग अलग आएंगे, तो जो आपकी मार्किंग होती है वो सिर्फ स्टेप्स पे ही मार्किंग होती है, और उस पर पूरा नंबर मिलता है अगर आपके स्टेप्स सही हैं तो, भले ही आप टीथ, नंबर ऑफ टीथ कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जामिनर्स को चेक करना पड़ता है आपके पेपर्स को, तो वो अपना सुविधा के लिए और ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, आपके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना कि नंबर ऑफ टीथ कितना रखना है, लेकिन एग्जाम में इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है और वहां दे दिया जाता है कि टेक नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रॉकेट एट 17 या फिर 19 या फिर 21। ऐसा करके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नंबर ऑफ टीथ दे ही दिया रहता है कि ड्राइविंग स्प्रॉकेट में कितना रखना है, और अगर ऐसा दे देगा तो इसका मतलब सारे लोगों का, जितने भी लोग सॉल्व कर रहे हैं, सबका आंसर सेम टू सेम आएगा, है ना, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में इजी हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बेस्ट साइड तो यही रहेगा कि आप 21 ही लेके इसको सॉल्व करें, है ना, ना कि 17 ना कि 19, आप 21 लेके सॉल्व करें और उसका रीजन लिख दें। यहां पर जैसा लिखा हुआ है कि हम मान के चल रहे हैं फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड नॉइज कंडीशन, नॉइज कंसिडरेशन, लेट अस एज्यूम दैट द टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रॉकेट Z1 इक्वल्स टू 21। आप 21 रख के उसको सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा सेफर साइड में रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, द सेंटर डिस्टेंस शुड बी बिटवीन 30 टू 50 टाइम्स पिच ऑफ द चेन, और ये लिखा हुआ है, ये 14.10 अगर आप देखेंगे आप डाटा बुक में, नीचे ब्लैक में जो आपका पॉइंट है उसमें आपका ये सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इन प्रैक्टिस द रिकमेंडेड सेंटर डिस्टेंस इज बिटवीन 30 टू 50 टाइम्स चेन पिचेस। इसका मतलब जो आपका सेंटर डिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूं ए से, है ना, ये रहना चाहिए एक रेंज में 30 टू 50 टाइम्स पिच, इसको मैं 2 लिख देता हूं, नहीं तो आपको माइनस लगेगा। मतलब जो चेन का पिच है वो 30 टू 50 टाइम्स आपको रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम केस, अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप वो लेंगे। अगर सेंटर डिस्टेंस का यूज आपको ये करना है कि कभी आपको क्वेश्चन में सेंटर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा एक सेंटर डिस्टेंस, और मैक्सिमम केस में हम जानते हैं हम हमेशा मीन वैल्यू लेते हैं, तो ये 30 टू 50 का मीन होता है 40, तो आप हमेशा 40 टाइम्स पिच करके इसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये रिकमेंड किया हुआ है कि सेंटर डिस्टेंस इस रेंज में आना चाहिए, और क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा सेंटर डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा उसका मीन वैल्यू 40 लेंगे और चेन के पिच से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपका आएगा आंसर वो स्टैंडर्ड आपका रहेगा, एक एज्यूम्ड वैल्यू रहेगी 40 टाइम्स पिच, और एग्जैक्ट तो फिर बाद में निकालेंगे ही हम, उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ कि, है ना, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसका यूज करेंगे, कहीं पर सेंटर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी उसको 40 टाइम्स पिच लेंगे। थर्ड बोला है आपका पॉइंट, द प्रीफर्ड अरेंजमेंट फॉर चेन ड्राइव इज हॉरिजॉन्टल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखेंगे, ये प्रैक्टिकली जब बनता है तब उसमें ध्यान रखना पड़ता है। द प्रीफर्ड अरेंजमेंट फॉर चेन ड्राइव इज हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब कि आपको जो चेन ड्राइव लगाना है वो ऐसा लगाना है, मतलब ये दोनों शाफ्ट जो पैरेलल है वो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ये ऐसा एक के ऊपर एक नहीं रहना चाहिए ऐसा, है ना, ये ऐसा टाइप का चेन ड्राइव आपका बनना चाहिए, नहीं तो आप इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये दोनों के शाफ्ट ये एक के ऊपर एक है और ये दोनों शाफ्ट पैरेलल है, है ना, ये भी पैरेलल है पर ये वर्टिकली अरेंज्ड है, ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन इसलिए बोला जाता है कि जब तक कोशिश करें आपका चेन ड्राइव हॉरिजॉन्टली रहे, ऐसा वर्टिकल या इंक्लाइन आने की कोशिश ना हो, है ना। इसका रीजन सिर्फ ये है कि जो चेन है ये थोड़ा हैवी रहता है, मेटल का ही बना रहता है, अगर आप इसको ऐसा रखेंगे तो ये जो सेंटर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, ये चेन हमेशा नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना, अगर नीचे आएगा तो यहां पर ये जो पकड़ा हुआ है ये बड़े पुल्ली को, तो यहां से ये हो सकता है ये ऐसे अलग हो जाए अपने वेट के कारण, है ना। अब इससे आपको बगल बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने चेन को बहुत टाइट करना पड़ेगा, है ना, अगर आपको ये चीज का इस इफेक्ट से अगर आपको बचाना है तो आपको चेन को एक्स्ट्रा टाइट
करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा टाइट करने से वो जो पॉलीगोन इफेक्ट के कारण जो जर्की मोशन है वो भी बढ़ जाएगा, तो चेन के टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश किया जाता है, अगर डिजाइनिंग आप ही के हाथ में है, कि जो भी आप डिजाइन करेंगे उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल ड्राइव में रहे, जिससे आपका वो इफेक्ट ना दिखे आपको, है ना। ये चेन पुल्ली के स्प्रॉकेट को, स्प्रॉकेट के टीथ को छोड़ दे रहा है। हम चाहते हैं कि हमेशा चेन के जो है ना चारे लिंक्स वो स्प्रॉकेट के दांत में अच्छे से फंसे रहे, तभी आपका अच्छे से आपको पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, द टाइट साइड शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द ड्राइव। अब इसको देखेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे हम बेल ड्राइव से। ये आप देखेंगे, आपने बेल ड्राइव पढ़ लिया है कि बेल ड्राइव में होता है पुल्लीज। ये अगर मैं दो पुल्लीज बनाऊं, ये ड्राइविंग पुल्ली, ये ड्रिवन पुल्ली। बेल ड्राइव में हमेशा कोशिश की जाती है कि आपका जो टाइट साइड, हमने पढ़ा था कि एक होता है टाइट साइड, एक होता है लूज साइड, तो बेल ड्राइव में जो टाइट साइड हमेशा कोशिश की जाती है वो हमेशा बॉटम पोर्शन पे हो। मतलब ये चीज आपका हमेशा टाइट रहना चाहिए बॉटम पे, और ये जो ऊपर का है ये लूज हो सकता है, ये ऊपर वाला रहता है लूज साइड। अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूं, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये घूम रहा होगा। अगर मैं ये डायग्राम ऐसा बना रहा हूं तो आपको देख रहा होगा कि आपको अगर यहां पर टाइट करना है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा हो। अगर इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे वाला टाइट हो जाएगा, ऊपर वाला लूज हो जाएगा, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा हो। अगर आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, जहां पर लेफ्ट साइड में ड्राइविंग पुल्ली और राइट साइड में ड्रिवन पुल्ली है, और अगर आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको हमेशा इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, है ना, तो आपको ये नीचे वाला हमेशा टाइट साइड मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेल ड्राइव में जो पावर ट्रांसमिट होता है थ्रू फ्रिक्शन होता है। मतलब ये जो बेल्ट पुल्ली के साथ जितनी पकड़ बनाता है उसके कारण ही क्या होता है, आपका ये फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो अगर ये लूज साइड करेंगे, है ना, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा पकड़ मिलेगी यहां पर, और ये जो बेल्ट का ये पोर्शन ये जो लूज होता है, ये अगर नीचे की तरफ आता है तो ये आपका और भी पोर्शन इसका पुल्ली से चिपक जाता है, तो फ्रिक्शन अच्छे से मिलता है। अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, आपको दिखेगा, है ना, कि बेल्ट ड्राइव में ऐसा क्यों करते हैं, तो ये अगर मैं ये ऊपर वाला टाइट बनाऊं तो आपको दिखेगा ये नीचे वाला लूज होके ऐसा हो जाएगा कुछ। अगर नीचे आप लूज रखेंगे तो इसका मतलब इसको मैं एंटी क्लॉक में घुमा रहा हूं। अगर इसको आप एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपने ऊपर वाला टाइट कर दिया है पर नीचे वाला लूज साइड रखा हुआ है। इस कारण से क्या होता है, दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर इसने पुल्ली के पोर्शन को छोड़ दिया है। अगर आप ये दोनों को कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला करने से आपको, आप नीचे वाले को टाइट रखेंगे तो ऊपर में कुछ और पोर्शन ऐड हो जाता है जो उसको और अच्छे से फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, पर अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये उसमें और जितना बचा कुछ है वो भी निकल जाएगा, और बहुत ही कम सरफेस, देखिएगे इसमें इतना ही सरफेस मिल रहा है पुल्ली के साथ जो एंगल ऑफ रैप की बात कर रहे हैं, और इसमें उससे ज्यादा मिल रहा है क्योंकि फ्रिक्शन के थ्रू होता है। तो ये एक बेसिक तरीका है कि बेल्ट ड्राइव्स में हमेशा बॉटम पोर्शन पे ही आप टाइट साइड देते हैं और टॉप पोर्शन पे आप स्लैक साइड देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं चेन ड्राइव की तो इसी चीज को आपको रिवर्स करना होता है। अब अगर इसी डायग्राम को आप चेन ड्राइव के साथ देखो तो चेन ड्राइव में अगर आप नीचे में आप रखेंगे, क्योंकि चेन ड्राइव फ्रिक्शन पे काम नहीं करता है, चेन ड्राइव टीथ और चेन के जो लिंक्स है इसके बीच में कनेक्ट होकर इसके बीच में फंस के काम करता है, इसमें कहीं भी फ्रिक्शन का रोल नहीं होता है। तो अगर आप इसमें चेन ड्राइव में ये वाला चीज लगाएंगे जिसमें आपका नीचे में आपका टाइट साइड है और ऊपर में आपका स्लैक साइड है, तो इसका मतलब यहां पर एक्स्ट्रा चेन का पोर्शन टीथ के एक्स्ट्रा दांत के साथ क्लैश कर जाएगा और ये कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा जिस कारण से अगर ये घूमता रहेगा तो ये क्या होगा, बीच में दांत फंस के टूट सकता है। एक्स्ट्रा दांत दिख रहा है यहां पर, चेन के एक्स्ट्रा लिंक्स दांत में फंस जाएंगे यहां पर, इसलिए चेन ड्राइव में जस्ट अपोजिट करते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। इसमें अगर चार पांच दांत भी फंस रहे हैं ना, वो अगर जितने भी 17 दांत है उसमें 8-10 दांत भी अगर फंस रहे हैं तो बहुत हो जाता है पावर ट्रांसमिशन। तो इसमें हमेशा आप देखेंगे, अपने बाइक्स में भी देखेंगे कि ऊपर का ही टाइट रहता है, मैकेनिक भी जब उसको अगर इसको चेन आपका ढीला होता है तो नीचे से उसको देख के चेक करता है कि वो है कि नहीं ऊपर नीचे करके, है ना। तो उसमें हमेशा आपको चेन ड्राइव में आपको ये यूज करना है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें टॉप साइड में आपका रहता है, इसमें दिख रहा होगा कोई क्लैशिंग नहीं है यहां पर ये चेन का, ताकि ये इजिली, क्योंकि चेन को हमेशा इस स्प्रॉकेट के साथ फंसते जाना है और छोड़ते भी आना, फिर फंसते आना छोड़ते जाना है। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये एक्स्ट्रा लिंक्स के कारण कभी हो सकता है ज्यादा स्पीड में ये मुड़ के इसमें फंस जाए और चेन का आपका पूरा टूट जाए।
तो इसलिए इजी रिमूवल और इंसर्शन के लिए हम इसको हमेशा ऐसा रखते हैं कि टॉप साइड में हमेशा टाइट रहना चाहिए और बॉटम साइड में स्लैक रहना चाहिए, लूज साइड रहना चाहिए। तो जस्ट इसको देख लेंगे कि बेल ड्राइव में बॉटम में टाइट साइड रहता है और ऊपर में लूज साइड रहता है, वाइल चेन ड्राइव में टॉप में आपका रहता है टाइट साइड और बॉटम में आपका रहता है लूज साइड। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो दिया है वेलोसिटी रेशियो के लिए, है ना, ये आपके उसी 14.10 में भी आपका पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है, द वेलोसिटी रेशियो शुड बी केप्ट बिलो 6:1 टू गेट ए सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। मतलब बहुत ज्यादा ही हाई स्पीड एकदम, मतलब वेलोसिटी वेरिएशन नहीं चाहिए आपको, है ना, नहीं तो चेन में टेंशन और टॉर्क बढ़ जाता है एकदम, है ना, कि आपको बहुत छोटा पुल लिया उसके बाद बहुत बड़े पुल घुमा रहे हैं तो वो फिर वैल्यू अगर टॉर्क बहुत ज्यादा लेने का कोशिश करेंगे तो फिर वो चेन में टेंशन बढ़ जाएगा, वो टूट सकता है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, द नंबर ऑफ लिंक शुड बी इवन व्हाइल द टीथ ऑन द ड्राइविंग स्पॉकेट शुड बी ऑड टू फैसिलिटेट यूनिफॉर्म वियर। एक सिंपल से एक फंडा है कि हम जानते हैं, मैं फिर से एक स्प्रॉकेट बना रहा हूं, ये स्प्रॉकेट है ऐसा दिख रहा होगा आपको, अब इस पॉइंट के कारण आपको यह दिख रहा है कि ये टीथ का जो है, ये जो नंबर ऑफ टीथ है जेड, यहां पर ये रखने बोल रहा है ऑड, और ये जो लिंक्स है, नंबर ऑफ लिंक्स है, इनको बोल रहा है इवन रखने के लिए। इसको अगर चेक करना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो आप देखेंगे, है ना, कि जब भी हम एक चेन ड्राइव देखें, इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, है ना, कि अगर हम मान के चलते हैं ये दोनों ही इवन नंबर है, मतलब ये मान के चलते हैं ये हो सकता है 18 है और ये लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स कितनी कड़ियां उसमें है ये मान लेते हैं 150 है, ये दिखेगा ये दोनों ही नंबर इवन नंबर है, है ना। अब दिख रहा है कि दोनों रोलर्स के बीच में लगा रहता है आपका लिंक, अब दिख रहा है ये लिंक इस दांत के साथ ही कनेक्ट है। अब अगर मैं एक स्लिंक में निशान लगाऊं और दांत पे भी निशान लगाऊं तो अभी तो आपको दिख रहा है यहां पर, जब ये रोटेट मैं इसको करूंगा और रोटेट होके वापस ही अपनी जगह पे आएगा तो दोनों इवन इवन नंबर के कारण ये लिंक वापस उसी दांत में ही आएगा। तो ये आपको एक चीज देखने मिलती है कि अगर आपने दोनों को इवन रखा है, नंबर ऑफ टीथ भी इवन है और नंबर ऑफ लिंक्स भी इवन है, तो हर बार वो लिंक उसी दांत में ही आएगा, मतलब ये दांत इसी लिंक के बीच में आके फंसेगा। और अगर ऐसा होगा और किसी कारण से अगर ये दांत खराब हो गया, किसी कारण से इस दांत का कोई पोर्शन टूट गया, तो दांत के साथ लिंक कनेक्ट हो रहा है हर बार, तो ये दांत क्या करेगा, उस लिंक को भी खराब करेगा हर बार सबसे ज्यादा, है ना। तो ये ऐसा करने से क्या होता है, ये आपका लिंक को खराब करते रहेगा, हर बार वो लिंक वहीं पर आएगा, तो इससे एक यूनिफॉर्म वियर नहीं होगा, हर बार वो लिंक खराब होगा और जल्दी खराब होगा, इस कारण से वो चेन टूट जाएगा। लेकिन अगर आप इवन ऑड वाला चीज चलाएंगे, अगर आप इसको अभी एक इसको रखेंगे आप इवन, है ना, जो कि अगर मान लेते 150 और इसको जनरली आपको रखना है ऑड, है ना, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ टीथ भी, तीन जो नंबर्स मैंने बताए थे वो 17, 19 और 21 है, ये तीनों ही ऑड नंबर्स हैं, है ना, तो इसको हमेशा ऑड रखा जाता है, अगर आप 17 रखें या 19 रखें, इसको ऑड रखें, तो इससे क्या होगा, अब अगर आप निशान बनाएंगे तो हर बार वो दांत अलग अलग लिंक को अलग अलग टाइम पे खराब करेगा और उसमें टाइम लगेगा, मतलब जो वियर है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म वियर के लिए ही हम इसको ऐसा करते हैं कि इसलिए हम, मैंने आपको बताया था कि जब हम नंबर ऑफ लिंक्स निकालेंगे तो उसको हमेशा एक इवन नंबर में ही आपको राउंड ऑफ करना है, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी रहे। और आपको देखेंगे जितने भी आप चेन ड्राइव्स के आगे प्रॉब्लम करेंगे उसमें जो आपको ड्राइविंग स्प्रॉकेट में जो टीथ है वो हमेशा एक ऑड नंबर दिखेगा और जो नंबर ऑफ लिंक्स निकलेंगे उस चेन में वो हमेशा आपको एक इवन ही दिखेगा, जिससे आपका जो यूनिफॉर्म है वो जो वियर है वो यूनिफॉर्म हो जाए। लास्ट पॉइंट आपको दिया है 7th पॉइंट, मल्टी स्ट्रैंड शुड बी रिकमेंडेड ओनली व्हेन हाई पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। इसका मतलब है, हम स्ट्रैंड्स की बात किए थे, स्ट्रैंड्स जो हम देखे थे, सिंप्लेक्स चेन, ड्यूप्लेक्स चेन और ट्रिप्लेक्स चेन, जिसमें हम चेन्स को आपस में ही कनेक्ट कर देते हैं, अगर दो चेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं और एक ही पिन इंसर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स, ऐसे अगर तीन चेन्स एक साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, और तो वो कहलाता है ट्रिप्लेक्स चेन। तो ये सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, ये स्ट्रैंड्स कहलाते हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ चेन। तो इसमें बोला है कि मल्टी स्ट्रैंड आपको तभी डिजाइन में लाना है जब आपका बहुत ही ज्यादा हाई पावर ट्रांसमिट होना रहा है, अदरवाइज जब भी हम चेन डिजाइन करेंगे तो एक सिंप्लेक्स चेन को ही आपको सेलेक्ट करना है, मतलब सिंबल एक ही चेन रहना चाहिए। ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स आप तभी
यूज करेंगे जब तक आपको न्यूमेरिकल में ना बोला जाए यूज करने के लिए, नहीं तो आप अदरवाइज उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जनरल कंसिडरेशंस हैं कुछ जिसको आपको ध्यान रखना है चेन डिजाइन में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चेन डिजाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।